Assalamualaikum guys, this is Ash Chaudhary. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे और सब अपने घरों में खुशबाश होंगे. So guys, winters जो हैं तकरीबन छा चुकी हैं, आ चुकी हैं और छा चुकी हैं था करके. खैर कराची में तो अभी था करके नहीं छाई, लेकिन पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज में सही वाली ठाठा करके छा चुकी हैं. एनीवेज, चूंकि आजकल मैं खुद ले रही हूँ ब्राइडल केयर DIY, कुछ रेमेडीज यूज कर रही हूँ. सो जब बात करते हैं हम लोग ब्राइडल केयर की, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज फिर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. जैसे कि लास्ट मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे अपने जो है उपचन आप यूज कर सकते हैं, या आजकल जो मैं ब्राइडल केयर रूटीन ले रही हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर की. सो आज हम लोग बात करेंगे डार्क सर्कल्स. डार्क सर्कल्स जो है वो मेन एक ऐसा एक इशू है जो कि नॉर्मली तकरीबन 100 में से 99 गर्ल्स के साथ रहता ही रहता है. 1% होंगी जो डार्क सर्कल्स जिनको नहीं होते होंगे, वो बहुत लकी होंगी. आई मस्ट से दैट मैं भी उन्हीं गर्ल्स 99 गर्ल्स में मेरा शुमार होता है, बिकॉज मुझे डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हमेशा से रहता है, हमेशा से. समटाइम बहुत सारे इश्यूज होते हैं डार्क सर्कल्स के, जो कि मैं आप लोगों को पॉइंट कुछ नोट करवा देती हूँ. सबसे पहले जो हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारे आजकल के जो जनरेशन है उनको आदत होती है लेट नाइट जागने की और मूवीज ये वो. मतलब अगर मूवीज ना भी देखें तो लेट नाइट सोना जो है वो सबकी रूटीन में शामिल होता है. एंड द सेकेंड थिंग, जब आप लोग प्रॉपर विटामिंस नहीं ले रहे होते और प्रॉपर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे होते, या फिर आप कुछ अपनी डाइट में ऐसी चीजें आप जो है फास्ट फूड ज्यादा ऐड करना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऑयली चीजें खा लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. जब तक आप केयर नहीं करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स रिमूव नहीं होंगे. सो फिर डार्क सर्कल्स की वजह जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आइज थोड़ी पफी पफी लगती हैं, और वो पफीनेस बहुत ज्यादा आ जाती है. वो फिर आपके फेस पे बहुत अजीब सा लुक दे रही होती है. आपकी स्किन इतनी प्यारी और आपके फेस पे डार्क सर्कल्स हों, फिर आप जब मेकअप भी करते हैं या मेकअप ना भी करें, आपकी स्किन अजीब सी लगती है. अगर आइज के अराउंड द आइज एंड अपर द आइज आप लोगों के डार्क सर्कल्स हों, तो फिर वो अजीब ही लगते हैं. एनीवेज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डार्क सर्कल्स की ऐसी रेमेडी जो मैं अभी पर्सनली खुद मैंने यूज करना शुरू की, बिकॉज मुझे खुद डार्क सर्कल्स थे. तकरीबन 1 वीक मैंने यूज की एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डार्क सर्कल्स पूरे ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं खुद पे अप्लाई कर लूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊँ. तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ. सो गाइस, सबसे पहले डार्क सर्कल्स रेमेडी जो हम लोग बनाने लगे हैं उसके लिए हमें चाहिए एक अदद बाउल. छोटा सा आप जार ले लें, कंटेनर ले लें, जो कि मैं ले चुकी हूँ. इंग्रेडिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. हमें चाहिए इवियन के कैप्सूल्स. सो गाइस, हियर इज द इवियन कैप्सूल जो कि मैं यूज कर चुकी हूँ. उसमें विटामिन ई होता है, बहुत मस्ट होता है हमारी आईज के लिए, ठीक है. इवन हमारे फेस के लिए भी विटामिन ई कोशिश किया करें, जिन चीजों में हो वो आप यूज किया करें. विटामिन ई आप अपनी क्रीम में भी, जो भी आप क्रीम यूज करते हैं उसमें लाजमी ऐड किया करें. द सेकेंड नंबर पर हम ले लेते हैं ग्लिसरीन, और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एलोवेरा जेल, और जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड ऑयल. आलमंड ऑयल मैं आपको दिखा देती हूँ, यू कैन सी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल. एक्चुअली मेरा आलमंड ऑयल खत्म हो गया था, अभी थोड़ा सा ही मुझे मिला, तो मैंने कहा चलें काम तो मेरा हो ही जाएगा. यहाँ पे हमने लिया है सबसे पहले एक कंटेनर, ठीक है. कंटेनर में हम ऐड करेंगे सबसे पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल. ओके गाइज, यू कैन सी आलमंड ऑयल मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ. आलमंड ऑयल चूंकि बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, सो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ले लें. आइस से ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होगा. द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल, ओके. यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी आलमंड ऑयल की ऐड कर दी है, आपको नजर आ रहा होगा. आलमंड ऑयल आपने इतना लेना है. एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट जो इसमें हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, आलमंड ऑयल में आपको बता देती हूँ, आपके डार्क सर्कल्स को, आपकी स्किन टोन को लाइटन करने में, इवन हमारी क्रीम्स में भी आलमंड होते हैं. सो यहाँ पे अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कुछ एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल आपने इतनी ऐड करनी है, इससे आपकी थिकी सा पेस्ट बन जाए, ठीक है. एलोवेरा जेल आपने ऐड कर ली. एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट, ओके गाइस, यहाँ पे ऐड करने लगे हम अपना थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि है ग्लिसरीन. ग्लिसरीन आपने कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं, ज्यादा ऐड नहीं करनी, ठीक है. द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन मैंने ऐड कर दिया. 3 इंग्रेडिएंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपना फोर्थ यानी मेन इंग्रेडिएंट इवियन ई विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो कि आप इसमें ऐड करेंगे. अगर आप इसके स्किप कर देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा. सो गाइज, यहाँ पे मैंने विटामिन ई कैप्सूल्स लिए हैं, ठीक है. अब मैं इसे कट कर लेती हूँ अच्छे से.
लुक एट दिस, यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ विटामिन ई कैप्सूल. ये बहुत ज़बरदस्त आउट स्टनिंग रेमेडी है फॉर योर डार्क सर्कल्स. आई मस्ट से दैट प्लीज इफ़ यू आर केयर अबाउट योर स्किन तो आप लाजमी इसे यूज़ करें. जिन भी गर्ल्स को डार्क सर्कल्स का इशू है, फ़ौरन से पहले आपके डार्क सर्कल्स हो जाएंगे रिमूव. सो गर्ल्स, आप नॉर्मली जब आपको विटामिन ई के कैप्सूल भी आप डायरेक्ट अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों को विटामिन ई का मसला होता है. यहाँ पे जनाब मैंने दो विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लिए हैं अपनी रेमेडी में. आपने इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स. जस्ट अ सेकेंड. इट्स वेरी ऑसम एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. विटामिन ई, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि मुझे विटामिन ई के बारे में बताने की जरूरत है. हमने इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लिए हैं और आप अभी से अच्छे से कर लेंगे मिक्स. ओके, वेलकम बैक गाइस. यहाँ पे हमारा जो है आई क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है. आप इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स. लुक एट दिस, आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए. ओके, लाइक दिस. ये आपकी आई क्रीम रेडी हो गई. जब भी आप रात को सोने जाएं, आप अपनी कोई भी क्रीम जो आपको आपका आजकल आप लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर योर स्किन, ठीक है, क्रीम आप लाजमी अप्लाई किया करें. चाहे कोई भी नॉर्मल आप मॉइस्चराइजर लगा के क्यों ना सोएं, बिकॉज ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नीट एंड क्लीन रखता है. फर्स्ट आप क्लींजिंग करके और फेस वॉश करके उसके बाद आप लाजमी आप कुछ ना कुछ अप्लाई करके सोया करें, स्पेशली इन विंटर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी गाइज, हमारी जो है आई क्रीम रेडी हो चुकी है. वन मंथ के लिए आपके लिए काफी होगी. जो लोग ब्राइड्स बनने वाली हैं, मैं उनसे उन्हें लाजमी रिकमेंड करूंगी कि वो इसे यूज करें और इसके रिजल्ट्स जो है लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज इट हैज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. आई मस्ट शेयर दैट बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग दिस क्रीम एंड अनबिलीवेबल रिजल्ट. इंशाल्लाह जिन लोगों को भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो मुझे खुद बताएंगी, मैम हमने ये यूज किया और हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला. सो गाइज, ये थी आज की मेरी डार्क सर्कल्स रेमेडी. पफिनेस स्पेशली इससे खत्म होगी. आप चाहें तो दिन में सुबह में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिन में ऑब्वियसली हम फिर सोते नहीं है, लेकिन रात को सोने से पहले लाजमी आप इसे अप्लाई कीजिएगा. तो मेरी आज की आप लोगों वीडियो रेमेडी कैसी लगी मुझे बताना मत भूलिएगा. मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लाजमी कीजिएगा. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा. जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई हम्बली रिक्वेस्ट देम, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो एंड रेमेडी के साथ. तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और दीजिए ऐश चौधरी को इजाजत. रब रखा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह.